थोड़ा बहुत दिखाऊंगा मैं आपको कितना सच है ये। तो सुभाष बोस गांधी जी से पहली बार मिले when he resigned from the ICS and came back to India in 1921. He was just 24 years old. गांधी जी was at the time living in Bombay in Mani Bhavan. तो वो सूट बूट पहन के चले गए एंड ही वॉज वेरी हेजिटेंट, जाके ऑकवर्ड फील करने लगे कि ये इतना बड़ा साधु संत महात्मा बैठे हैं, कुछ सिर्फ लॉयन क्लॉथ और एक ऊपर चादर ओढ़ के और मैं सूट बूट पहन के आ गया। तो गांधी जी पुट हिम एट ईज, थोड़ा कितना एज डिफरेंस कितना था, ही वॉज ऑलमोस्ट सुभाष बोस फादर्स एज ऑलमोस्ट। तो ही पुट इट एट ईज एंड दे हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। सुभाष ने उसको बहुत पॉइंटेडली तीन क्वेश्चन पूछे कि आपका आगे का प्लान क्या है, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि द ब्रिटिश एक्चुअली गिव इन टू योर प्लान ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और अगर फेल हो गया तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है। तो ये सब पूछे एंड देन पूरा सुना, उन्होंने बैठ के सुना एंड देन ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। एंड उन्होंने बाद में अपने बुक में जो लिखा दैट देयर वॉज अ डिप्लोरेबल लैक ऑफ क्लैरिटी इन हिज थॉट्स, he was not clear what he was going to do, how he was going to reach his goal. Goal set kar liya hai, but wahan pahunchenge kaise? Agar plan A fail ho gaya, to dusra plan kya hai? Kahan se kaise karenge? Koi clarity nahi tha. So he was not happy. So Gandhi ji also sensed ke ye hai, khush nahi hai. To unhone bola ke theek hai, ek kaam karo, tum Kolkata jao. Wahan pe hai Deshbandhu Chittaranjan Das, tum unse jaake milo. To Deshbandhu Chittaranjan Das se pehle Motilal Nehru aur Vittal Bhai Patel ye sab milke Swaraj Party banaye the. To the elder पटेल, विठल भाई पटेल बिकेम द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ही वॉज अ लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी बेसिकली देयर। तो गांधी जी से अच्छा ठीक ठाक रिश्ता था एंड ऑल, बट देन ही वेंट ऑन अ लेक्चर टूर अराउंड द वर्ल्ड और तबीयत बिगड़ गई एंड ही केम टू वियना एंड वेंट टू जेनेवा टू गेट चेक्ड अप एंड ऑल टू रिकवर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, द कोइंसिडेंस गांधी जी विथड्रू, उन्होंने वापस ले लिया अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विदाउट गिविंग एनी रीजन और एनीथिंग, जस्ट ही विथड्रू सेड के ये नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत लोग मार खा रहा है, हम ऐसे वो नहीं कर पा रहे, तो बाद में सोचेंगे कैसे किया जाएगा, अभी तो आई एम विथड्रॉइंग दिस। तो वियना से ये हैंड रिटन, ये सुभाष बोस का हैंड राइटिंग है, ये मैं निकल के लाया हूं, मेरा एक फ्रेंड मुझे ला के दिया है फ्रेंच आर्काइव से, ये कॉपी आपको हमारे आर्काइव में शायद अभी नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट इशू किया, आपको नेताजी के जितने सारे बायोग्राफीज मिलेगा ये स्टेटमेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है गांधी जी का कांग्रेस का लीडरशिप छोड़ने का, ही मस्ट मेक वे फॉर यंगर लीडर्स बिकॉज जो आइडियोलॉजी उठ के आ रहे हैं, एग्रेसिव मोर रेडिकल व्यू पॉइंट जो आ रहे हैं, we understand that Gandhiji cannot go along with that or cannot lead that force. So he must make way for the newer forces. और ये जो journalist report किया था उस time पे, एक foreign journalist थे कमरे में बैठे थे when they were writing the statement, Subhash Bose told him in very clear words, the words were very clear, that Gandhi is a piece, useless piece of old furniture. ये इस letter में नहीं है। That is very informal language. वो official statement. But इसमें mention किया है गांधी as a leader has failed और ये 1933 का letter है। इसमें भी बहुत खराब लिखा हुआ है। साफ साफ सब गांधी जी को वो कर दिया कि that he has failed as a leader, his time is up now. ये 33 का letter है। तो this is 1933. तो अब this is one of the statements, one of the many statements जब जहाँ पे वो अपना मन की बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और जो father of the nation को दिखा के बोलते हैं कि he was a Gandhian और a Gandhi bhakt. They should read this thing. About Pandit Nehru, sir, आप पूछ रहे थे पंडित नेहरू ज्यादा क्लोज थे या गांधी ज्यादा क्लोज थे? सुभाष के. तो सुभाष एंड नेहरू वेर वेरी क्लोज टिल अबाउट 1938 when सुभाष बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, राष्ट्रपति बने उस टाइम तक दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, काफी मिलजुल था, दे हैड सिमिलर आउटलुक, सिमिलर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्यूज, सिमिलर वर्ल्ड व्यू, दोनों मॉडर्निस्ट थे, ये ऑब्सक्यूरेंटिस्ट गांधीयन वो दोनों को ही पसंद नहीं था एंड इंडिया को मॉडर्न तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे दोनों ही। बट द थिंग वॉज वो बोलते हैं कि कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, अच्छा सोच रखता हो, उनके एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इज नेचर। तो डिस्पाइट एवरीथिंग नेहरू कुड नेवर लीव द साइड ऑफ गांधी और
completely junk the Gandhian ideals and thoughts and stick to his own ideas. तो उनके आइडिया उनके दिमाग में रहे पर दिल में रहे गांधी जी के आइडियाज. तो दैट डाइकोटमी ही कुड नेवर ओवरकम. तो वो पूरी जिंदगी भर वो गांधीयन पाथ पे वही पे चलते रहे. सर मैं ये खत्म करके मैं आता हूं आपके पास. तो ये एक तो अनुज ने अभी जो बताया कि स्पाइंग जो किया था, के एम मुंशी ने जर्मन ब्रिटिश आईबी का रिपोर्ट दे दिया था गांधी जी को, और 38 में जब प्रेसिडेंट बना दिया नहीं था उसको देने को बोला गया था. तो 1938 में जब प्रेसिडेंट बना था मजबूरी में बनाया गया था. सुभाष बोस को 38 में राष्ट्रपति मजबूरी में बनाया गया था क्योंकि 36 और 37 में लगातार दो बार पंडित नेहरू प्रेसिडेंट बन चुके थे. 38 में गांधी जी ने पहले इनको बोला था, सरदार पटेल को बोला था राष्ट्रपति के उस बनने के लिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो ही रिफ्यूज्ड और कोई भी राजी नहीं था. तो गांधी जी से के अभी अमंग्स द यूथ दो बार नेहरू जवाहर दो बार हो चुका है तो उसको तो थर्ड बार रीअपॉइंट नहीं कर सकते. तो अभी लेट्स डू इट विद सुभाष, लेट अपॉइंट हिम एज द राष्ट्रपति. ये करा लिया, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये राष्ट्रपति बनेगा. तो ये डिसीजन होने के बाद वो सरदार पटेल को चिट्ठी लिख रहे हैं वन लाइनर दैट आई कैन नेवर ट्रस्ट सुभाष फुल्ली. तो ये एटीट्यूड शुरू से बना के रखे हैं. और ये है कि एक साल के लिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक साल वो बनेगा राष्ट्रपति, फिर मेरा वापस आ जाएगा, या तो आजाद बनेंगे या सरदार पटेल बनेंगे या फिर से पंडित नेहरू बनेंगे या कोई और बनेगा, कृपलानी है, राजगोपाल आचार्य है, बहुत सारे हैं, कोई भी बन जाएगा, पर मेरे हिसाब से बनेंगे. प्रॉब्लम हो गया अब जैसे ये नोट मिला, आईबी का नोट मिला, वो और भी बिगड़ गया. बोला कि किसी भी हालत में मैं नहीं बनने दूंगा. और द बंगाल से जो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप थे, बिरला के, जी डी बिरला के जो ग्रुप थे, देवर अगेंस्ट सुभाष, देवर गांधीयंस, तो देवर कंप्लीटली इन द गांधीयन कैंप. नलिनीरंजन सरकार कहते थे, एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल बिकॉज इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर मोस्ट ऑफ यू प्रेजेंट हियर. तो वहां पे भी एक ऑपोजिशन था. और सुभाष ने बोला कि मैं देखिए 1930 आप जो भी इंटरेस्टेड है नेताजी के लाइफ पे, उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर, देयर आर फ्यू स्पीचेस एंड राइटिंग्स यू मस्ट रीड. And one of those speeches is his presidential address at Haripura in 1938, where he gives a clear outline of how he wants India's independence to be achieved, and after independence, India ka reconstruction kaise hoga, kis lines pe hoga. So it's a complete modernistic outline, complete as non-Gandhian as it can be. To wahan pe science and technology ki baat kar rahe hain. नेशनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वन नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन की रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑल द पॉइंट्स दैट डिफेंस की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, और इनमें से एक भी चीज गांधीयन कैंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया. सर ये आपकी सवाल की जवाब है. Okay. उनके भतीजे सुभाष बोस अपने भतीजे को लिख रहे हैं 1939 में जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लेके झगड़ा चल रहा है. पढ़िएगा, कोशिश करिए. नोबडी हैज डन मोर हार्म टू मी पर्सनली एंड टू आवर कॉज इन दिस क्राइसिस देन पंडित नेहरू. तो ये जो ब्रीच हो गया, ये जो ब्रेक हो गया, दिस दे नेवर केम बैक टूगेदर. ये कभी जोड़ नहीं पाया जेल से. दिस लेटेस्ट फेज ऑफ गांधीज्म विद इट्स सैंक्टिमोनियस हिपोक्रेसी इज सिकनिंग टू अ डिग्री. वन इज फोर्स्ड टू वंडर विच इज अ ग्रेटर मेनस टू इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और द गांधीयन हायरार्की. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कैन यू इवन इमेजिन. एंड सुभाष वॉज नॉट वन पर्सन हु वुड राइट जस्ट ऑन इम्पल्स और सिर्फ ऑन द स्ट्रोक ऑफ द मोमेंट ऐसे लिख देंगे. ही वाज नॉट अ पर्सन लाइक दैट. दिस आर वेल कंसीडर्ड, वेल थॉट आउट लेटर्स. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड द नेक्स्ट डे. द नेक्स्ट ईयर इफ पावर गोज टू द हैंड्स ऑफ सच मीन विंडिक्टिव एंड अनस्क्रूपुलस. बेसिकली सीधे सीधे हिंदी में बोले तो ऐसे घटिया लोगों के हाथ में अगर पावर चले जाए तो हमारे देश का क्या हालत होगा. एंड टू टॉप इट ऑल ये उनका प्रेडिक्शन था. एंड जस्ट इमेजिन कितना दूरदर्शी हो सकता है कोई. Gandhism will land free India in a ditch
if free India sought to be rebuilt on Gandhian non-violent principles. ये 62 साल के अंदर समझ गए थे लोग. बंदा जर्नलिस्ट होता तो उनको नहीं कहते दिल की बात, बट यहाँ कह दिए. तो इट इज ट्रू आई डिड लेट सुहास डाउन. ये बोल रहे कि उस टाइम पे मेरे लिए भारत और गांधी एक थे. आई कुडंट थिंक बियॉन्ड गांधी, जबकि सुभाष और मेरा सोच विचार बिल्कुल एक जैसा था. हम दोनों एक तरीके से सोचते थे, एक टाइप का हमारा आउटलुक था, सब कुछ एक था. बट क्योंकि मैं गांधी के साथ रहना चाहता था, आई कुड नेवर बी विथ हिम, गिव हिम माई सपोर्ट. सो इन अ सेंस इट इज राइट टू से दैट आई डिड लेट हिम डाउन. तो दिस आर हिज वर्ड्स, दिस आर नॉट माइन.